नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे वसंत पंचमी के बारे में, जो इस बार 1 फरवरी 2017 को है। माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी को वसंत पंचमी मानते हैं। इस दिन माँ सरस्वती, भगवान श्री विष्णु, श्री कृष्ण, राधा की पूजा पीले फूल, गुलाल, धूप, दीप आदि से की जाती है। तो आइए एक नज़र डालते हैं वसंत पंचमी के पौराणिक महत्व के बारे में। कई पौराणिक कथाओं के अनुसार ब्रह्मा जी ने इसी दिन सृष्टि की रचना की थी। अगर हम रामायण कथाओं की तरफ जाएं तो भगवान श्री राम ने इसी दिन सबरी के झूठे बेर खाए थे। वसंत पंचमी बहुत ही खास दिन होता है। इस दिन कोई नई शुरुआत करना शुभ माना जाता है। इस दिन माँ सरस्वती की पूजा विशेष मानी जाती है। वसंत पंचमी के दिन 2 वर्ष से 10 वर्ष तक की बाल कन्याओं को मीठे चावलों का भोजन करवाया जाता है। भोजन कराने के बाद पीले रंग के वस्त्र इन कन्याओं को या फिर गरीबों को दान दे दें। ऐसा करने से परिवार में ज्ञान, कला व सुख शांति की वृद्धि होती है। इसके अतिरिक्त इस दिन आप पीले फूलों से शिवलिंग की पूजा भी कर सकते हैं। यह भी बहुत शुभ माना गया है। वसंत पंचमी के दिन कुआं निर्माण, भवन निर्माण या फिर कोई विद्यालय, किसी नई चीज़ का उद्घाटन, फैक्ट्री का उद्घाटन, ये सब चीज़ें इस दिन की जा सकती हैं, जो बहुत ही शुभ मानी गई हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको हमारी यह जानकारी अच्छी लगी होगी। हमारा आपसे निवेदन है, अगर जानकारी अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।